प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान को सराहा। पद्म विजेता झारखंड के जन्म सिसोय का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सरायकेला खरसावां जिले में खतियानी जोहार यात्रा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। पश्चिमी सिंहभूम सहित राज्य के कई जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आयोजित किया मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम। और राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर। उत्तरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उराव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने देश के सामयिक विषयों पर चर्चा के अलावा जनजातीय समुदाय के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय हमारी धरती और हमारी विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने पद्म विजेता झारखंड के जानुम सिंह सोय की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले व्यक्तियों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानीराम टोटो, जानुम सिसोय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्धि, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को झारखंड में संजीदगी के साथ सुना गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार जनजातीय समुदाय को प्रेरित करने वाले हैं। यानी थोड़ी सी उपलब्धि में भी बड़ा संतोष हो रहा है और अपने मेहनत और परिश्रम से ही जीते तो प्रधानमंत्री जी ने उस बात को कहा ताकि आदिवासियों के बारे में लोगों की जो सोच, उस सोच बदल सके और आदिवासी समाज ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़ी, सबको पता है। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के हल्दा ग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने रामगढ़ के चित्तरपुर मंडल के बूथ संख्या 252 पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात किया। इधर रांची के बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव मंडल के बूथ संख्या 133 पर राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के विचारों और अनुभवों को सुना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सरायकेला खरसावां जिले में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने जिले के अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोपहर के समय सरायकेला आएंगे। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से
उनके स्वागत और एक बृहद पब्लिक मीटिंग करने के लिए योजना बनाई गई है यहाँ बिरसा मुंडा स्टेडियम में। उसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रशासन का जिम्मेवारी है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज विजिट सभी वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया। जमशेदपुर के साक्ची पुराना कोट गोलचक्कर के पास राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलकर ही देश और राज्य आगे बढ़ सकता है। कि बाबा साहब के श्री चरणों में अपने शीश को रखने का मुझे सौभाग्य दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर अंबेडकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आज महिला प्रकोष्ठ की ओर से सम्मान सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अन्य लोगों के अलावा राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में 9 फरवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज चाईबासा में पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्के ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जरिए जन समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया। यह उद्यान आम जनता के लिए प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा। 28 से 31 मार्च तक केवल विशेष श्रेणी के दर्शकों को उद्यान में प्रवेश मिलेगा। दर्शकों के लिए हर रोज सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग यात्रा के दौरान किसी विशेष फूल पौधे या पेड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बगीचों में रखे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उद्यान देखने के इच्छुक www.rashtrapatisachivalay.gov.in वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। वहीं प्रवेश और निकास के लिए प्रेसिडेंट एस्टेट का द्वार संख्या 35 तय किया गया है, जबकि सीधे पंजीकरण के लिए द्वार संख्या 12 के निकट व्यवस्था की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण के 75 वर्ष के जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित पिल्लई हॉल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने किया। इस मौके पर उन्होंने गवाहों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने पर बल दिया। यही इस कार्यक्रम का गवाहों को बहुत बार ऐसा होता है कि प्रार्थना पा करके लालच दे करके या किसी और तरीके से गवाहों को उनको हटाए करने की कोशिश करता है। आप उस बात को कोशिश करें कि गवाहों को प्रोटेक्शन दें जितना जल्दी हो सके। जैसे कोर्ट में ट्रांसफर होता है गवाहों को जन्म कराए, जो मेन है प्राइम विटनेस जो विक्टिम है या और जो आई विटनेस या प्राइम विटनेस हो तो उसको कोर्ट में एग्जामिन कराना या फिर रूटीन है ताकि जो है उनको जस्टिस मिल सके। उधर खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में आज विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। बूढ़ा पहाड़ के नक्सल मुक्त हो जाने के बाद विकास की नई उम्मीद जगी है। नक्सलियों के भय से वहां से पलायन कर चुके लोग भी अब लौटने लगे हैं। बूढ़ा पहाड़ पे आप देख सकते हैं इस तरह के खपरैल नुमा घर, यहाँ पर इसी तरह से हैबिटेट्स के रूप में 4 घर यहाँ है, तो 1 किलोमीटर बाद फिर 4 घर है, तो इस तरीके से यहाँ कुछ फैमिलीज रहा करती थी। लेकिन जब से यहाँ नक्सलियों का आतंक बढ़ा तो यहाँ से सारी फैमिली दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो गई। यहाँ तक कि आप देखिए कि कुछ घर जो है आसपास के जो कुछ घर है ये पूरी तरह से टूट भी गए, क्योंकि यहाँ
ने लोगों से डर से, नक्सलियों के डर से ये लोग यहाँ से पलायन कर गए, छोड़कर भाग गए। लेकिन अब जब यहाँ पुलिस और प्रशासन एक बार फिर पहुँची है तो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा बढ़ा है और जो आवाजाही एक तरीके से पूरी तरीके से बंद हो गई थी और ये जो घरें वीरान हो गई थी, हालांकि अभी यहाँ पर CRPF, जगुआर और पुलिस के दूसरे जवानों का कैंप लगा हुआ है और ये कैंप के लोग इसी तरह तरीके से ये जो पुराने घर कभी किसी लोगों के हुआ करते थे आसियाने, आज अभी ये जगुआर और पुलिस वाले के आसियाने हैं और यहाँ पर ये रह रहे हैं और ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग पहले रहते थे उनको जो उनको दिक्कत होती थी, जिस तरीके से अभी देखिए यहाँ पर CRPF के ये कैंप बेसिकली एक तरीके से बनाया गया है और ये यहाँ पर नक्सलियों को जो खत्म करने की कवायद हुई है उसमें इन जवानों के जो ये हथियार हैं, इन जवानों की जो मेहनत है, जो दिन भर और रात भर यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं, उसके जरिए उसे खत्म करने की कोशिश की गई है और ये जो बूढ़ा पहाड़ खूबसूरत इलाका है इसे फिर एक बार अमन चमन से भरने की कोशिश हो रही है ताकि आसपास के जो छोटे छोटे लोग यहाँ हैबिटेट्स में रह रहे हैं इस खपड़ैल नुमा घर में, वहाँ पर फिर से उनकी जिंदगी आबाद हो सके और लोग खुशी खुशी रह सके। करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बूढ़ा पहाड़। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज देवघर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा रामदेव को प्रशासनिक भवन में संकल्प कराया गया, फिर गर्भगृह में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई गई। इससे पहले देवघर पहुंचने पर मंदिर के प्रभारी और जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर योग गुरु ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा बेहद जरूरी है। देश में सद्भावना, सारसता, सनातन धर्म की रक्षा, और सनातन धर्म है सनातन सत्य, और सनातन सत्य केवल भारत के नहीं विश्व के कल्याण के लिए है। तो सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं, यह युग धर्म है। एक है देश का विधान जिसको हम देश का संविधान कहते हैं। रांची के जगन्नाथपुर स्थित योगदा सत्संग महाविद्यालय परिसर में आज नए सभा भवन, बहुउद्देश्य कक्ष और एक नए विद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। नए भवनों का उद्घाटन SRF अध्यक्ष स्वामी चित्तानंद गिरी ने किया। उन्होंने बताया कि इन भवनों का निर्माण केंद्र सरकार के अनुदान से हुआ है। ये जो स्कूल बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं और जो मल्टीपर्पज हॉल है, ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए हमें केंद्र सरकार से अनुदान मिला 8 करोड़ का, और उसी अनुदान से हमने ये दो बिल्डिंग्स हैं उनका निर्माण हमने किया। कोविड-19 के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 220.4 करोड़ टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,11,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। श्री सर्वेश्वरी समूह की रांची शाखा में आज निःशुल्क मिर्गी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 66 रोगियों को परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। वैद्य रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में रोगियों का इलाज किया गया। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। इस दौरान सेना के जवानों ने रंगारंग परेड और शौर्य का प्रदर्शन किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित झारखंड से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार, पूर्व विधायक बंधु तिर्की शामिल है। डॉ अजय कुमार त्रिपुरा के वर्तमान में प्रभारी भी हैं।
हजारीबाग पुलिस लाइन के 3 पुलिसकर्मियों के बेटों पर जानलेवा हमला किया गया है। इनमें 2 को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का धनबाद जाने के दौरान चित्तरपुर में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उपचुनाव को लेकर एकजुट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने दावा किया कि रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जमशेदपुर की सूर्यधाम मंदिर सिद्धगोड़ा समिति ने अचला सप्तमी और सूर्य जयंती के अवसर पर पूजन हवन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित हुए। चाईबासा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए संजय पूर्ति कोना पूर्ति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में मानवाधिकार हनन का मुकदमा दायर किया है। वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, विदेश दा व राधेश्याम गोस्वामी ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि राज्य में झामुमो की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है। जमशेदपुर में आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष संजीव सिन्हा, महासचिव श्याम बिहारी लाल सहित 60 पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव हुआ। 12 प्रकोष्ठ के अलग अलग अध्यक्ष चुने गए हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में राम मंदिर का तृतीय वर्षगांठ पर 21 फरवरी से विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। इस सिलसिले में सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। आज सूर्य मंदिर के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने क्षेत्र के लोगों को निमंत्रण देते नजर आए। 6 से 10 फरवरी तक मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मलखंब प्रतियोगिता के लिए रांची के अजय झा का चयन किया गया है। अजय झा बंगीय सांस्कृतिक परिषद उच्च विद्यालय रांची के शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं। अजय झा झारखंड के पहले तकनीकी अधिकारी हैं, जिन्हें लगातार 2 बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स एवं नेशनल गेम्स गुजरात के लिए चयन किया गया। राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक कमी आई है। तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। तो बात करें तो न्यूनतम तापमान की, तो उत्तर जो झारखंड का भाग है और साथ साथ उससे सटा हुआ जो मध्य का भाग है, वहां 4 से 6 डिग्री का न्यूनतम तापमान में 24 घंटों में गिरावट देखने को मिला है। शेष अन्य भागों में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव न्यूनतम तापमान में देखने को नहीं मिला है। ये जो मुख्य कारण है कि उत्तर जो भाग है झारखंड का, वहां जो टेम्परेचर इतना अचानक से एक दिन में गिरा है, इसका मेन कारण है कि जो उत्तर भाग है झारखंड का, उस पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रॉस किया है, ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिमी हवाएं झारखंड की तरफ आई हैं, जिसकी वजह से उत्तर झारखंड में आपको देखने को मिला है जो टेम्परेचर का जो चेंजेस है, जो गिरा हुआ पारा वो आपको देखने को मिला है। जबकि और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 15.5 तथा डालकनगंज का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री के भुवनेश्वर पहुंचने पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, कोषाध्यक्ष शेखर मनोहर और ओडिशा सरकार के खेल मंत्री तुषार मेहता ने स्वागत किया।
इस मौके पर हॉकी झारखंड के विजय शंकर सिंह, रजनीश कुमार, मनोज कोनबेगी, धर्मेंद्र सिंह और रणधीर कुमार भी मौजूद थे। गिरिडीह जिले के डुमरी में मछली से लदे एक पिकअप वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायल ड्राइवर की पुलिसकर्मियों ने कोई मदद नहीं की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने स्थानीय थानेदार और चालक आरक्षी को निलंबित कर दिया है। इन लोगों पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद घायल चालक की मदद करने के बजाय गाड़ी थाने लाकर उन्हें प्रताड़ित किया, साथ ही 8 क्विंटल मछली भी लूट लिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिमडेगा में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित गांधी विकास मेला सह प्रदर्शनी लोगों को आकर्षित कर रही है। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को उन्नत कृषि और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विकास मेला सह प्रदर्शनी में कृषि विभाग के स्टॉल में कई तरह के उन्नत कृषि उत्पाद रखे गए हैं। श्रेष्ठ कृषि उत्पादों के लिए किसानों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। किसान करमदयाल साहू और सीताराम प्रसाद ने कृषि विभाग की इस पहल की सराहना की। कृषि मेला गांधी मेला मैदान में लगा हुआ है, इसमें एक सराहनीय पहल है और इस तरह का मेला लगते रहे और किसानों को इसे उत्साह होती है। गांधी विकास मेला में हम लोग का सब्जी आया हुआ है विकास प्रदर्शनी में, ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हम किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। प्रदर्शनी में विभिन्न संस्थानों से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों, बांस की कलात्मक वस्तुओं और दैनिक उपयोग की चीजों की बिक्री भी की जा रही है। सखी मंडल से जुड़ी बिमला देवी और जरीना बाड़ा ने कहा कि यह प्रदर्शनी उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। मैं यहाँ पर प्रदर्शनी के लेके आई हूँ, बहुत सारे चीज लेके आई हूँ। अचार है, जामुन बीज पाउडर है, जामुन सिरका है, मधु है और इसमें अचार में स्वादिष्ट है महुआ का अचार, महुआ का लड्डू। पसंद बहुत अच्छा है, सब पसंद कर रहे हैं, बहुत ले भी रहे हैं। प्रदर्शनी में गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को सड़क सुरक्षा, मानव तस्करी, डायन कुप्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों से बचने के लिए प्रेरित तो किया ही जा रहा है, सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। हम सभी कलाकारों के द्वारा सिमडेगा जिला को सड़क सुरक्षा के नियम, खासकर नशाखोरी, डायन बिसाही, मानव तस्करी अभियान बारे में बताया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर लगने वाला गांधी मेला इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में प्रतिदिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान को सराहा। पद्म विजेता झारखंड के जानुम सिंह सोय का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सरायकेला खरसावां जिले में खतियानी जोहार यात्रा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। पश्चिमी सिंहभूम सहित राज्य के कई जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आयोजित किया मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम। और राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर, उत्तरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट।